नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं राष्ट्रीय लोकदल के मुख्य कार्यालय पर दिल्ली में, और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल विधायक अनिल कुमार जी और चंदन चौहान। आज बड़ा ऐलान मायावती ने कर दिया है कि मायावती गठबंधन से बाहर रहेंगी, मायावती अपने बूते चुनाव मैदान में उतरेंगी 2024 में। क्या मायावती का ये ऐलान इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस ऐलान से किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रालोद विधायक अनिल कुमार जी। तो विधायक जी, दो बार आप बीएसपी से विधायक भी रहे, मायावती जी के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ कहने से पहले सबसे पहले तो मैं, क्योंकि उनका आज जन्मदिन भी है, बधाई देता हूं उनको। और उसके बाद जो आज उन्होंने फैसला लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने जन्मदिन के अवसर पर, कि वो लोकसभा 2024 का जो आम चुनाव होगा उसमें वो अकेली चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है ये फैसला गठबंधन के लिए तो झटका है। मैं मानता हूँ उस बात को, क्योंकि एक उनका ऐसा बेस वोट है जो एंटी बीजेपी वोट है, अगर वो अलग जाएगा तो निश्चित रूप से गठबंधन को और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन झटका उनके लिए भी है, उनके लिए तो ये मैं समझता हूँ कि एक आत्मघाती हम जो होता है ना, आत्मघाती हमला होता है एक तरह से, वो इस तरह साबित होगा जब रियल चुनाव में उतरेंगी बहन जी, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूँ और जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी भावनाएं हैं हमारे समाज के लोगों की, आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी विशेषकर दलितों का और पिछड़ों का, दलित तो इस बात को समझ रहा है भली भांति, लेकिन पिछड़ा समाज हमारा उस बात को समझना, उसने धर्म की चादर ओढ़ रखी, उसे भारतीय जनता पार्टी समझने नहीं दे रही अपने उसके हक अधिकार क्या है। लेकिन संविधान के अंदर दलित समाज को जो हक अधिकार मिला, जो सम्मान मिला, इस बात को भली भांति जानते हैं और उन्हें ये पता है, क्योंकि मैं समाज से आता हूँ, समाज के लोग ये कहते हैं भाई बहन जी गठबंधन में आना चाहिए। और यदि मैं कहा भाई अगर किसी कारण बहन जी गठबंधन में नहीं आती फिर क्या करेंगे, कहने लगे अगर बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में नहीं आएंगे तो फिर हम जो है गठबंधन को वोट करने का काम करेंगे। हमें देश का संविधान बचाना है, हमें देश का लोकतंत्र बचाना है, और हमारा आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है, एक तरह स्लो पॉइजन आरक्षण के नाम पे दे दिया है, सारे पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, उस आरक्षण को बचाने के लिए हम जो है गठबंधन को वोट करेंगे। ये बड़ा सवाल है। बहन जी ने ये ऐलान तो किया ही, लेकिन साथ ही बहन जी ने कह दिया कि अखिलेश यादव जी पे बड़ा हमला भी मायावती जी ने किया। ये देखो, ये जो हमला है ना, ये रणनीतिक हमला है जो बहन जी ने किया है। बहन जी को भी ये पता है कि उनका वोट बैंक कि बीजेपी की तरफ तो नहीं जाएगा, अगर वो जाएगा तो अखिलेश जी की तरफ जाएगा, तो वो आज अखिलेश जी पे हमला करके इस बात को समाज में जताना चाहती है कि भाई अखिलेश जी जो है मतलब हमारे हितैषी नहीं है, इस बात को समाज में संदेश देना चाहती है। लेकिन जहां तक मैं समाज को समझता हूँ, समाज इस बात को समझ रहा है, बहन जी के इस झूठे बहकावे में कतई आने वाला नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी अगर हाशिए पे है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार भी बहन कुमारी मायावती जी हैं। देखो, किसी भी घर का घर में कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार उसका मुखिया ही होता है, तो मुखिया तो बहन जी है। अगर आज बहुजन समाज पार्टी इस हाशिए पे आ गई, जो जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी 2007 में, जो 206 एमएलए के साथ पूर्ण बहुमत के साथ में, वो आज हाशिए पर है, वो 30% से आज 13% पे आ गई, और मुझे लगता है जो समाज इस बार विचार कर रहा है वोट देने का, बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा नुकसान इसमें होगा। 13% से घट गए वो, मुझे लगता है आधे भर जाएगी इस बार। तो एक दूसरी चर्चा भी चलने लगी है, या मायावती जी के विरोधी कह लीजिए या लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में है, कि इस बार सिंबल मायावती जी के होंगे, बीएसपी के होंगे, और कैंडिडेट बीजेपी के होंगे। देखो, ये चर्चा तो है ही कि भाई बहन कुमारी मायावती जो निर्णय ले रही है आजकल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ले रही, लेकिन इस बात को बहुजन समाज भी भली भांति समझ रहा है। मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि बहुजन समाज अपने हिसाब से निर्णय लेगा। इस बार बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ के वो गठबंधन प्रत्याशी को वोट करने का काम करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है।
बशर्ते गठबंधन के लोगों भी उनके बीच में जाके वोट मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जो उनका वोट है वो एक स्वाभिमानी वोट है, वो चार बार सत्ता में रह चुका, उसे सत्ता का स्वाद का पता है क्या चीज है, सत्ता में क्या लाभ हानि होता है उस वोट को पूरी जानकारी है। तो बशर्ते इन्हें जाना पड़ेगा, अगर ये नहीं जाएंगे तो वो फिर इस बात पर अड़िग हो जाएगा कि भाई जब हमारे पास कोई वोट मांगने ही नहीं आ रहा है तो फिर हम अपने अपने आदमी को वोट देंगे, फिर वो बेंजी को वोट दे देगा। तो बशर्ते जो है उसमें जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं, उन सब लोगों को उस वोट के बीच में जाना पड़ेगा, जो सही बात है उसे समझाना पड़ेगा, फिर निश्चित रूप से उस वोट का लाभ जो है गठबंधन को मिलेगा। आरएलडी विधायक मेरा पुरुष है और संभावित प्रत्याशी भी है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से, तो चंदन भाई कितना बड़ा झटका मायावती जी के इस फैसले को आप गठबंधन के लिए मानते हैं? देखिए ये हर पार्टी के व्यक्तिगत निर्णय होता है और ये स्वतंत्र है कोई भी पार्टी अपना निर्णय लेने के लिए, पर मैं पूरी तरीके से हमारे सीनियर विधायक आदरणीय अनिल जी से सहमत हूँ कि जनता तो चाहती है भारतीय जनता पार्टी को हटाना। बहुजन समाज एक जागरूक समाज है और वो पिछले किन दिनों से कितना पीड़ित शोषण और लगातार दमन का काम जो लगातार समाज के साथ हो रहा है उसको ऊपर उठ के बड़ी निगाहों से बहन कुमारी मायावती जी की तरफ और गठबंधन की तरफ देख रही थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सर्व समाज को लेके हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी लगातार चलने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जो बड़ा निर्णय देने के पूरे भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालने का काम करता है वहाँ स्त्रीय निर्णय लेके मुझे नहीं लगता कहीं भी उन्होंने कोई कसर छोड़ी हो जो समाज को निराश करने की। समाज निराश है पर इतना ऐसा नहीं है क्योंकि पिछली बार भी देखा, भावनाएं देखी, गठबंधन में कहीं ना कहीं एक कदम पीछे रह के स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने, माननीय अखिलेश जी ने और जैन जी ने बहन जी का सम्मान करने का काम किया था, भले ही खुद नुकसान उठाया हो पर बहुजन समाज के हितों में और प्रत्येक समाज के हितों में गठबंधन के हित में उन्हें अच्छी सीटें देके जिताने का काम किया था। उसका लाभ भी आपको देखना मिला होगा कि पार्टी को कितना लाभ मिला। उसके बावजूद भी अगर आज उनके पास कोई वजह है तो मैं नहीं समझता कोई वाजिब वजह हो सकती है, कहीं ना कहीं ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है पर समाज ये आंख बंद करके देखेगा नहीं और सही निर्णय जब वोटिंग का समय आएगा तो सही निर्णय अपने हितों की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए लेने का काम करेगा। क्या लग रहा है कि भाई बहुजन समाज 2024 के चुनाव में मायावती जी का साथ छोड़ के गठबंधन का रुख करेगा? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, इस देश के बेहतर भविष्य के लिए निश्चित रूप से बहुजन समाज के साथ साथ पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़े हो, सब भाई मिलके गठबंधन के साथ रहेंगे, क्योंकि कोई भी वर्ग हो, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध का बोध हो, युवाओं के रोजगारों का मामला हो, अब देखिए किसानों की, हमारे गन्ना किसान आप और हम जिस बेल्ट से आते हैं कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है गन्ना मूल्य पे लेके, इतनी निरंकुश सरकार किसानों ने कभी नहीं देखी, कोई जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं है कि आज जो है सीजन खत्म हो जाएगा अगले 2-3 महीने में, गन्ने की कमी है और मूल्य घोषित नहीं करा। ऐसे तानाशाही रवैये के खिलाफ जनता एकजुट हो चुकी है और बड़ा आंदोलन आने वाले समय में भी राष्ट्रीय लोकदल अब प्रत्येक चलाने का काम करेगी और मुझे निश्चित विश्वास है कि आने वाले समय में गठबंधन के साथ ही जनता टिकी रहेगी। तो बड़ी बात दोनों रालोद विधायक कह रहे हैं, निराश तो है मायावती जी के फैसले से लेकिन बड़ी उम्मीद भी जता रहे हैं कि बहुजन समाज जो कि सत्ता के खिलाफ, जिसके पास जिसका मन सत्ता के खिलाफ है इस वक्त, वो मायावती जी गठबंधन में आती तो बेहतर विकल्प बन सकता था, लेकिन विधायक जी कह रहे हैं दूसरे शब्दों में ये तो कह रहे हैं भाई एक तरह से आत्मघाती कदम उन्होंने उठाया है, लेकिन कह लीजिए कि अपने ही पैरों पे मायावती जी ने कुल्हाड़ी मार ली है ये फैसला लेके, ऐसा दोनों रालोद विधायक कह रहे हैं और ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि बहुजन समाज गठबंधन के पाले में आएगा और इस बार बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा।